नरवाना में कांग्रेस प्रत्याशी विद्या रानी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और जीत का दावा करते हुए कहा कि अब की बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बाकी है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नरवाना से कांग्रेस प्रत्याशी विद्या रानी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। विद्या रानी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए विद्या रानी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपने पहले भी देखा है इनका मैनिफेस्टो, तो 154 वादे किए थे, क्या किया उन्होंने? ये मैनिफेस्टो निकालते निकालते करते कुछ नहीं। आज आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा समर्थन है। 200 बाइकें हैं और 200 ट्रैक्टर हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रदर्शन हमारी सरकार के लिए। ये एक खुशनुमा, एक शुभ चिंतक संकेत है। विद्या रानी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हवाओं के रुख से पता चल जाता है आसमान किसे छूना है। हवाओं के रुख से पता चल जाता है जाना कहां पर है और कहां को किसने छूना है। आपने पिछले 5 साल में देखा कि किस तरह की निकम्मी सरकार को हमने सत्ता में बिठा दिया। ऐसी निकम्मी सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? सबका नाश। और अब एक नारा और लगा दिया इन्हें, कहती है विश्वास और झूठ लेंगे हम तो। विश्वास के नाम पर विश्वासघात करेगी, मौका मत देना। कांग्रेस प्रत्याशी विद्या रानी ने नरवाना के गांवों के दौरे के दौरान धनोरी, उजाना और कोयल गांव में जनसभा को संबोधित किया। 21 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि हरियाणा का ताज किसके सिर पर चढ़ता है। R9 TV के लिए नरवाना से राम निवास गर्ग की रिपोर्ट।